Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. But friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह के 27वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया. वेल फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि किस्मत अगर चाहे तो आपकी जो समय है उसको इस तरह से ऊंचाई पर ले जा सकती है कि जहां पर पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी लेकिन वो सफलता आपको उस समय प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जब किस्मत ने आपका साथ दिया तो ऐसी सफलता प्राप्त हुई कि उसकी उसकी विचार या उसकी सोच भी आपने कभी जिंदगी में अपने मन में नहीं लाई होगी. ऐसा ही कुछ कबीर सिंह के साथ हो रहा है गाइज. व्हाट ट्रेंडिंग मैन, लिटरली स्पीकिंग ये फिल्म खतरनाक ट्रेंड कर रही है. इट्स गोइंग एट द लेवल ऑफ हाइएस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स. अगर मैं आपसे कहूं कि ये फिल्म हर एक दिन पीके, दंगल, टाइगर जिंदा है, संजू के 26वें 27वें दिन से ज्यादा कमा रही है तो कैन यू बिलीव दिस गाइज, इट इज गोइंग एट दैट लेवल. अगर ये फिल्म, बहुत दिन से बोलना चाहता था, बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे को आते थे ट्विटर पे, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज ये पॉइंट्स आप अपने एपिसोड्स में प्लीज रखिए, तो मैं आज बोल देता हूं. अगर ये फिल्म एडल्ट नहीं होती, नंबर वन, अगर ये फिल्म वर्ल्ड कप में नहीं आती, नंबर टू, अगर ये फिल्म उस टाइम नहीं आती जब मुंबई में बाढ़ आई हुई थी, एकदम पानी भरा हुआ था देश में, बारिश से ऐसा हाल नहीं होता, आई कैन राइट एंड गिव इट टू यू, दिस फिल्म वुड हैव क्रॉस्ड 300 करोड़. कहां जाती थी ये आप सोच नहीं सकते थे गाइस. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर अ फिल्म लाइक दैट. क्या ट्रेंडिंग चल रही है, आई मीन 5 लाख का ड्रॉप, लिटरली स्पीकिंग 10% के हिसाब से भी चलते गाइस तो ट्यूसडे को यानी कि 26वें दिन पे इस फिल्म ने 1.60 करोड़ की कमाई की थी. इट इज द हाइएस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. इसके आगे बस उरी और बाहुबली टू द कंक्लूजन है. जस्ट इमेजिन, हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट 26th डे था कल उसका, एंड गाइज आज 27th डे पर सिर्फ 5 लाख का ड्रॉप. मेरा प्रेडिक्शन कितना था, 1.5 करोड़. इसने प्रेडिक्शन से ऊपर कमाया है 1.55 करोड़ रुपए. नाउ दिस इज सीरियस स्टफ. कबीर सिंह रिपिंग इट ऑफ. मैं आपको लिख के देता हूँ, इसका बुखार अब तक सर से उतरा नहीं है कि अभी हफ्ते में जाएगा, 5वें हफ्ते में वहां भी 400 स्क्रीन लेगा ही लेगा, और सिंगल स्क्रीन में अभी भी एग्जीबिटर इसकी स्क्रीन के लिए मारामारी करेंगे. पर फ्रेंड्स, देखने लायक रहेगा ये वीक. तो लायन किंग आने वाली है, सुपर 30 आएगी, कबीर सिंह आएगा, आर्टिकल 15 भी घुसेगी, स्पाइडरमैन भी घुसेगा यहाँ से. साउथ में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है. स्मार्ट शंकर आई रिलीज हुई आज, कल विक्रम की फिल्म रिलीज होने वाली है, वहां पर अमला पॉल की फिल्म रिलीज होने वाली है. सुपर टाइम फॉर सिनेमा गोइंग ऑन. वी आर लकी टू बी एट दिस प्रेजेंट जनरेशन. बहुत ऑप्शन है आपके पास. एंड गाइस, कबीर सिंह, होल्ड योर ब्रेथ्स, आफ्टर 27 डेज 264.74, जहां हम 265 लेके चल रहे थे 4 हफ्ते के बाद, अभी इसको क्रॉस करेगी. आज मैं गारंटी बोलता हूँ ये 1 करोड़ के नीचे नहीं गिरेगी. अब कहीं ना कहीं ये गाइज 266 करोड़ पे अपना 4th भी खत्म करेगी. फिर अब इंतजार रहेगा इसके 5वें हफ्ते का. वेल फ्रेंड्स, दिस इज सीरियस स्टफ. एपिसोड पसंद है प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मिशन मंगल का ट्रेलर जब तक मैं एपिसोड बना रहा हूँ तब तक नहीं आया था, पोस्टपोन हो गया है, इसलिए कमेंट में मत दिखना कि उसका रिव्यू करो. आएगा जैसे वैसे रिव्यू करूंगा. साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन.